नवालय की ओर से पेंटिंग एग्जीबिशन की शुरुआत के बाद उसे देखने आए, क्योंकि वो पेंटिंग एग्जीबिशन पूरी तरह स्वामी विवेकानंद पर आधारित थी, उनके विचारों पर और उनके संदेशों पर। उसी एग्जीबिशन को देखने आए हैं सुविख्यात विचारक गोविंदाचार्य जी। आइए हम उनसे जानते हैं कि जो राजनीतिक उथल-पुथल चल रही है उसके बारे में उनकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे। मैं मानता हूँ कि अभी का जो ये आयोजन है वो विशुद्ध अराजनैतिक रचनाधर्मी है, और इसमें किसी भी हालत में दलीय या सत्ता राजनीति की गंध नहीं आनी चाहिए। और जहाँ तक आपने अभी के राजनीतिक हालात के बारे में कहा है, मैं मानता हूँ कि राजसत्ता का आकलन मुद्दों के आधार पर होना चाहिए, मूल्यों के आधार पर होना चाहिए, न कि लोक लुभावन घोषणाओं के आधार पर। अब बीजेपी की अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित हुई है, उसके बारे में आपका क्या नज़रिया है, क्या आप उससे सहमत हैं या आपके क्या विचार उसके लिए? तो बीत गई, सब बात बहुत पुरानी पड़ गई, और उसमें से कोई विशेष बात या दिशा या कोई विजन ऐसा तो मुझे नहीं दिखा। व्यक्तियों का थोड़ा बहुत उलट फिर, पसंदगी नापसंदगी, राजी नाराजी, सबका मिला जुला कर जो बन पड़ा, ऐसा ही कुछ दृश्य दूर से देखने पर लगता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि कार्य समिति में कौन है कौन नहीं है ये उतना महत्व का विषय नहीं है। कार्यकारिणी में उमा जी को भी खास जगह दी गई है, प्रभात झा जी साहब को दी गई। उमा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, वो एक बार फिर राजनीति में सक्रिय हो गई बीजेपी की ओर से? मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है। उमा जी सक्षम राजनेत्री हैं, वो अपनी राजनीति को चलाना खुद जानती हैं, और मैं उस विषय में सोचता भी नहीं हूँ, न सोचने की ज़रूरत महसूस करता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि व्यक्तियों के इर्द गिर्द राजनीति में बहस नहीं होनी चाहिए, मुद्दों और मूल्यों की बाबत होनी चाहिए। और दुर्भाग्य से देश में स्थापित राजनीतिक दल केवल छवि और केवल पैंतरेबाजी को ही राजनीति का हिस्सा मानने लगे हैं, और समाज की जगह सत्ता ही उनका आराध्य हो गई है। अभी जैसे बात की जाए पीएम पद की उम्मीदवारी की, जैसे राहुल जी भी खास दौड़ इस दौड़ में साथ नज़र आ रहे हैं, इधर नरेंद्र मोदी जी साहब का भी नाम काफ़ी सामने आ रहा है, इसमें आपकी क्या राय है? चुनाव आने आने तक तो 10-20 और उम्मीदवार बढ़ जाएंगे। उम्मीदवारों से भी ज़्यादा महत्व ये है कि देश के बारे में उनकी क्या समझ है, देश को वो किस दिशा में ले जाना चाहेंगे। ऐसी कोई बात अभी तक स्पष्ट हुई नहीं है। स्थूल रूप से विकास विकास, और उसमें भी कुछ नहीं है तो बड़े बड़े उद्योग घरानों की वकालत, छोड़कर उस विकास की संकल्पना में तो कुछ बचा नहीं है। आम आदमी के बारे में बोलते हैं, शब्द केवल बोलते हैं, उनके पास उनके खजाने में कोई चीज़ नहीं है। कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो इस वक्त पुख्ता दावेदारी राहुल गांधी को लेकर की जा रही है, तो उसमें आप क्या विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं इसके बारे में? हाँ, मैं किसी भी आदमी को, उनके अपनी पार्टी का मामला है, चाहे जिसको बना दें, किसी भी सड़क से आदमी को ले आ दें, उसको भी घोषित कर दें, तो उनका अपना अधिकार है, मामला है, इसलिए मैं उसमें क्यों पढ़ूं? अब जैसे मोदी जी को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हैं, कोई किसी संबोधन किसी पार्टी में मंच पर ये घोषणा की जाती है कि आडवाणी जी रहेंगे मोदी जी रहेंगे, कैसे इस गफलत में क्या कहना चाहेंगे, गफलत क्यों हो जाती है? स्वाभाविक है, क्योंकि जब व्यापक लक्ष्य गुम हो जाता है तो ऐसे तात्कालिक बातें ज़्यादा हावी हो जाती हैं। और मैं फिर कहूँगा ये तो भाजपा का अपना अंदरूनी मामला है कि वो जो अपना तय करना हो, घमासान मचा कर हो चाहे संवाद से हो, उनकी अपनी बात है। मैं मानता हूं कि देश में राजनीति पर चर्चा मुद्दों और मूल्यों के बारे में ज़्यादा आवश्यक है। देश में बदलाव तो मुद्दों और मूल्यों के कारण आएगा, राजनीतिक कार्यशैली के कारण आएगा। नेताओं के अदल बदल से देश की स्थितियों में कोई विशेष बदल नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों की नीति धनाधारित विकास की है। इससे बेरोजगारी और विषमता और अपसंस्कृति का प्रभाव बढ़ेगा, चाहे कांग्रेस शासन में रहे या भाजपा शासन में रहे। जाते जाते आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि अभी फिक्की में नई दिल्ली में जो मोदी जी ने भाषण दिया, काफ़ी लोकप्रिय हो गया वो भाषण, और उसका फिर कलकत्ता में जाकर जो भाषण दिया उसमें गो बैक के भी नारे लगाए गए हैं, तो दोनों का जो तालमेल कही जाए उसके बारे में आपके क्या विचार रखना चाहेंगे? मैं मानता हूँ कि उसमें कोई गहराई से मुद्दों के बारे में कोई बोल रहे हों या आलोचना कर रहे हों ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लगा। मुझे लगा कि सब राजनीतिक पैंतरेबाजी के सिवा कुछ नहीं। तो ये थे हमारे साथ विख्यात विचारक गोविंदाचार्य जी, जिन्होंने अपने विचारों से बताया है कि किस तरह से जो कार्यकारिणी है और किस तरह से जो बदलाव राजनीतिक बदलाव आ रहे हैं उनका बिल्कुल दो टूक जवाब दे दिया, और उन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि उनका इस मसले में किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। कैमरामैन प्रदीप बेस के साथ शरद बाघेला, बंसल न्यूज़ भोपाल।